हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां मैं आप सभी तक लेकर आता हूं हर नई और पुरानी गाड़ियों का रेगुलर अपडेट्स। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए, ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। कुछ दिनों पहले ही मैंने मारुति ऑल्टो और टाटा नेक्सॉन के एक्सीडेंट का एक वीडियो डाला था। उस एक्सीडेंट में ऑल्टो ने नेक्सॉन के रियर एंड में टक्कर मारी थी, जिसमें ऑल्टो के फ्रंट में काफी नुकसान हो गया था और नेक्सॉन को थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए थे। मैंने उस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैं इन दोनों गाड़ियों के बीच कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि किस लेवल का डैमेज दोनों गाड़ियों में हुआ था। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे ये बोला कि मैं क्यों 3 लाख की गाड़ी को 8 लाख की गाड़ी से कंपेयर कर रहा हूँ। हालांकि मेरे काफ़ी बताने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो मैं फिर से आज इस वीडियो में टाटा की कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट दिखाऊंगा। हालांकि ये एक्सीडेंट BMW से हुआ है और मैं इस वीडियो में पहले ही बोल रहा कि मैं इन दोनों कार्स को कंपेयर करने वाला हूं। मुझे पता है कि 5 लाख के टाटा टियागो को 80 लाख के BMW Z4 से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी टियागो टाटा की कार है और टाटा की कार्स को बिल्ड क्वालिटी में किसी भी कार से कंपेयर किया जा सकता है। हाल ही में इंटरनेट पर पिक्चर्स के एक सेट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें BMW Z4 ने टाटा टियागो को पीछे से टक्कर मारी है, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। यह काफी स्लो स्पीड में हुआ, लेकिन इस टक्कर का रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन फोटोज में यह साफ देखा जा सकता है कि BMW Z4 के फ्रंट फेस में इसकी नोज पर एक मेजर डेंट आया है। Z4 के नोस्ट्रल्स में कुछ स्क्रैचेस, स्कफ्स और उजड़े हुए पेंट के साथ एक मेजर डेंट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ टाटा टियागो के रियर बम्पर में किसी भी तरह का डेंट नहीं आया, बस इसमें थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं, जो Z4 की तुलना में कुछ भी नहीं है। टियागो का रियर बम्पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से निकल गया था, जिसे अपने हाथों से ही फिक्स किया जा सकता है, इसमें किसी टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में सेफ्टी रीजंस के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह एक्सीडेंट वॉकिंग स्पीड में हुआ था। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम इन कारों की क्रैश टेस्ट रेटिंग्स का कंपैरिजन करें तो टियागो यहाँ बढ़त बनाई है। टियागो ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए हैं, जबकि BMW Z4 ने यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट बेड में 3 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे। पर अब करंट में आने वाली BMW Z4 की न्यू जनरेशन मॉडल ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर कर लिए हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि गाड़ी चाहे 8 लाख की हो या 5 लाख की, अगर वो टाटा की है तो उसकी बिल्ड क्वालिटी और सारी गाड़ियों से बेहतर होगी, फिर चाहे वो BMW ही क्यों ना हो। टाटा अपनी कार्स में फीचर्स के साथ साथ सेफ्टी को भी प्रायोरिटी देता है, तभी आज उसकी लगभग सभी कारों ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 और 5 स्टार रेटिंग स्कोर किए हैं। इन दोनों कार्स की पावर फिगर्स की बात करें तो ये इनकम्पेरेबल हैं, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया के लिए जान लेते हैं। टियागो 1.2 लीटर 3-पॉट पेट्रोल मोटर के साथ आता है, जो 86 पीएस की पीक पावर और 113 न्यूटनमीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं Z4 को एक ट्विन टर्बो स्ट्रेट 6 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 306 पीएस की पीक पावर और 400 न्यूटनमीटर का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।